जब सरदार सुखबीर सिंह बादल तो गुरु ग्रंथ साहब के कुर्सी डाउन पैंदा है, इन्हां ते गुरु महाराज की थोड़ो परवाह करी है, इन्हां ने माड़े काम किहड़ा माड़ा काम नहीं किया, सरत सौदा साध नूं माफियां देनियां, गुरु ग्रंथ साहब के अंग अंग नालियां दे विच रूड़ियां दे उत्ते खिलार दिता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह जरूर मन दे विच है बई इन्हां तों बादलां तों ना यह मुक्त करवाउणी आ। बहुत सज्जन ऐसे ने जिहड़े मैनूं इह कहिंदे हुंदे सी वी इह सुखबीर नूं तां धर्म दा उड़ाड़ा वी नहीं आउंदा है, धर्म दीआं गल्लां इह कोई मर्यादा नहीं, इहदे पल्ले कक्ख कोई मैनूं पुछे ही नहीं है, बस ये हुकम फरमान लियांदा छड़ दिता जी, बलदेव सिंह नूं कढ दिता, क्योंकि कारण यह ने भी ये बादल श्रोमणी अकाली दल बादल ये बादल लिमिटेड बनया हुआ अकाली दल आ जिहड़ा इस वेले, सो उसी मैं कोई इहदी कोई कोई मैं नहीं करता करदा कुछ, मैं की करना जी, मैं लोगों के अगे आपकी गल छड़ दित्ती आ। सत श्री अकाल, पंजाब लोकमत टीवी के शब्द चैनल दे विच तुहाडा सब का स्वागत है। मैं हाँ जसपाल सिंह मान, एच जी पी सी मैंबर बलदेव सिंह चुंगा नूं सस्पेंड किया जाता श्रोमणी अकाली दल दे विचों, साडे नाल जुड़े ने जान लैने आ, कारण तो सब ने सुने आ, पर इन्हां दा पक की आ और अगे की की रणनीति रहेगी, सब तो पहले ही स्वागत है तुहाडा, सत श्री अकाल। सरदार जसपाल सिंह जी, मैं तुहाडा ते तुहाडी टीम दा, तुसीं मेरे घर आए हो, मेरे पिंड चुंगा विखे बैठे हो, तुसीं आ के जिथे मैं तुहानू वैलकम करदा जी आया कहना, उत्थे जिहड़े जी इस वेले अपने नाल तुहाडे स्रोते जिहड़े तुहानू वाच करदे ने तुहाडे इस नूं प्रोग्राम नूं, मैं सारिआं नूं कोई भी गल करन तों पहलां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई फतेह बुलाउणा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा पहला सवाल है जी कि तुहानू किवें पता लग्गिआ कि श्रोमणी अकाली दल ने तुहानू बाहर करता? सर मैं तो रूटीन दे विच कल आपदे घर बैठा सी, मैनू एक ना हरिंदर निक्का नाम दा साडे पत्रकार है बरनाले दा, उन्होंने मैंने दस्या भी इस वेले इतने गुरद्वारा साहब आ बीबी प्रधान कौर का श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध का भी उत्थे बाबा टेक सिंह धनौला, सतनाम सिंह राही, परमजीत सिंह खालसा, तो दविंदर सिंह बीला भी चार बंदे प्रेस कानफ्रेंस की है भी थोड़ा पार्टी जो 6 साल वास्ते कढ दिता। मैंने इस तरह उन्होंने उत्तों पता लगे, उस तो बाद जी फिर वह आम ही सोशल मीडिया के उत्ते भी आ गई, तो मैं पत्रकारों के फिर फोन आने शुरू हो गए जी, इस तरह मैं सर पता लग्या। जिहड़े कोई वैसे जिहड़ा विधि विधान है जो निजम हुंदे ने, किसी का संविधान हुंदा किसी पार्टी का, वह संविधान तो यह गल कहिंदा है भी किसी भी बंदे नूं पहलां उन्हूं नोटिस करो, वो हफ्ते या 15 दिन का टाइम दिओ, अगर वह नोट्स का जवाब तो तुसीं नहीं संतुष्ट तो कार्रवाई करो, जां कोई बंदा नोट्स का जवाब नहीं दिंदा मान साहब फिर वो कार्रवाई करो, नोट्स कोई नहीं मैनूं है, मैनूं तां जी सीधा ही वसाए भी इन्नी बुखलाट के काम होया, सरदार सुखबीर सिंह बादल इन्ना घबराया से, इन्हों तक कसूर ही कोई नहीं बेचारियां का, इन्होंने की करना, इन्हें तो जो उन्होंने कह दिता उन्होंने आके अनाउंस कर दिता भी उन्होंने पार्टी को 6 साल नहीं कढ़ दिंदे आ। फिर बाद आप ही कही जाते हैं सरदार सतनाम सिंह राही कहिंदे भी जे वह चाहू पक्ष रखना चाहू तो असीं वो रख सकता, ये कोई तरीका थोड़ो आ, पक्ष तो पहला सुनिया जाता हूँ पार्टी चो कट के फिर पक्ष सुन का, यह कि तुक बनती है ना, ये सारा कुछ गैर विधानक किया इन्होंने मेरे नाल जो किया जी, पर मैं इस गल का कोई बड़ा मैनू नहीं भी इन्होंने की किया, मैं इनू बड़ा बॉदर नहीं करता, मैं कोई बरी नहीं करता, मैं इस चीज़ में लैके मतलब कोई कितने चैलेंज करने का भी सोचा कि यार इस चीज़ में लैके कि घट्टो घट कारण दसो नोटिस दिता जाता पहला फिर अगली कार्रवाई की जाती भी उस तरीके तो होया नहीं जिस तरह तुम दसिया, कुछ है अगली कार्रवाई करन दा? सर सारे झूठ बोल जो झूठ के मगर यह लागे किसी ने कहे नहीं भी गल गलत, बलदेव सिंह चुंगा ने कहा कि गलत, मैं कहदे वास्ते चैलेंज करूँ जी, मैं नहीं कोई चैलेंज करूँ जी इन्हों के वास्ते करता, मैं इन्हें तरले करूँगा भी मैंने तुम यो करो, मैं सुखबीर सिंह बादल जदों असी अकाली दल च काम करते मैं आपके पिंड का इतों का सरपंच से, ये साढ़े मगरों काम करद तो यह आके उत्थे इलैक्शन लड़िया फरीदकोट तो जगमीर सिंह बराड़ के वर्कलाप, असी उदों ते सारे जाते रहे उन्हां दी इन्हां दी मदद दे विच जो बनता सी, एक सरपंच सी एक नौजवान उम्र थी उदों असी जाते रहे हैं जी, इन्हां नूं मैं कदे वास्ते करूँ जी, मैं कोई ना मैं कोई अपील करनी आ, हाँ मैं ये गल जरूर कहना भी बिना कसूर तो 30-35 साल मेरी की सेवा इन्होंने बे एकदम ही बस उन्होंने पानी फेरता कह लो, उन्होंने जो मर्जी उन्होंने शब्द आप कह लिए भी वो जरूर इस गल का जरूर दुख मानता चित्त भी यार इस तरह भी होंगे, इन्ना डिक्टेट भी कोई मनुख कर सकता भी वो कोई विधि विधान मने ही ना, किसी की कोई गल ही नहीं सुनवाई, कोई मैंने पूछे ही नहीं है, बस ये हुकम फरमान लिया छड़ दिता जी, बलदेव सिंह कढ दिता, क्योंकि कारण यह ने भी ये बादल श्रोमणी अकाली दल बादल ये बादल लिमिटेड बनया हुआ अकाली दल आ जिहड़ा इस वेले, सो उसी मैं कोई इहदी कोई कोई मैं नहीं करता करदा कुछ, मैं की करना जी, मैं लोगों के अगे आपकी गल छड़ दित्ती है, मैं खुला कर दिता, लोगों की मर्जी है, मेरे हल्के दे लोगों की, मेरे पूरे पंजाबियों की कह लो, मेरे भाईचारे सिखां की गल कह लो, मैं उन्होंने मूहरे छड़ दित्ती है, वो जो फैसला करनगे मैं वो प्रवान करूँ, मैं इन्हां दी वाली परवाह नहीं करता जी, की अगली रणनीति की है जथेदार सर तुहाडी?
अगली रणनीति सर मेरी एक ही है, मैं पहले भी बहुत थाने जो संबंधित सज्जन आदि मीडिया ने मैं कहा भी एक तो मैं कोई एम एल ए ट्रैक्टर नहीं लड़नी, मैं कोई एम पी नहीं बनना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी मैं 16-17 साल हो गए सेवा करते हैं, ये बहुत नंगारा का कितने कितने कमियां ने कितने कितने जि कितों कितों किमें नंगारा आया उन्होंने किमें ठीक हो सकता वो मैं सारा तो नहीं मैं कह सकता पर काफ़ी हद तक मैं काम करने वाला बंदा सी मैनू ज्ञान है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह जरूर मन के है बई इन तो बादलों तो ना ये मुक्त करवानी है, लोग पहला भी बहुत सिख धड़े लगे हुए हैं पर उन्होंने आपसी तालमेल की बड़ी घाट है भी इन तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ना मुक्त करा के जोड़े गुरसिख जीवन आए लोग ने जोड़े गुरु तो डरन वाले लोग ने जोड़े राजनीति धर्म के थले ला के रखने वाले लोग ने उन्होंने मेरे मन की इच्छा जरूर है भी उन्होंने लिखा वे मैं जरूर दिन रात एक काम करूँ तो वे मैं पब्लिक तो भी बेनती करूँगा भी तुम संगतों संगत जिन्हू चाहे तह बिठा ले जिन्हू चाहे नीचे कर ले। तुम बहुत ज़्यादा बड़ा प्यारा सज्जन से बेवक्त वो मौत हो गई दीप सिद्धू की वो बेचारे की जो उन्होंने तुम चाहे संगत ने इन्ना प्यार दिता उन्होंने पलकों के उत्ते बिठा लिया पंजाब के लोगों ने पंजाबियों ने सो संगत की मर्जी की गल है जी। मैं संगत तो उम्मीद रखूँ मैं बोलिया सच मैं खड़िया सच के नाल भी हुण मैं थोड़े को जरूर उम्मीद रखदा भी तुसी ये सच की कदर करियो तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सुधारन वास्ते तो अच्छे लोगों को इतने लेके आइए वो वास्ते जरूर मदद करियो ये मेरी उम्मीद है जी लोगों तो यही मेरी अगला जिहड़ा है निशाना है। जथेदार साहब कल आम आदमी पार्टी वाले कह देंगे कि तुम शामिल हो जाओ या कोई वड्डा लीडर आके तो शामिल हो जाओगे सर ये तो जो कोई समा हों ना उदों ही देखा जाता हों मैं पहला कोई कहा फिलहाल कोई भी कोई गल नहीं किसी ने मैनू वह नहीं किया जो सारा कुछ सिर जाया गया सुते सीधी वापरिया हुई गल्ला ने गियाँ कोई भी मत मथा कि एक भी बंदा मान साहब कह देना सरदार जसपाल सिंह मैं देनदार हूँ कौम का भी कोई भी गल कि मत के भी आए करा आए होगा कुछ भी नहीं सुते सीधी हो गया जो कुछ भी है सुते सीधी होया हूँ मैं आप काम करना है ना जी मैं कित कुछ तो करूँगा ही ना मैं तो है ही नहीं भी मैं इस तरह बैठन हथ ते हथ करके जो मैं इन्ना कुछ किया तो मैं जरूर करूँ तो सही सर मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगा। तुसी श्रोमणी अकाली दल दे विच रहे हो सवाल तुसी उन्हां उत्ते चकदे रहे हो हुण भी लगातार चक रहे हो सुखबीर सिंह बाल दी क्रेडिबिलिटी दे भी सवाल चके ने तुसी खासकर चोणां तो बाद तां मतलब कदे मन दे विच कोई मलाल ले सी इन्हां चीज़ां नूं लैके कोई शिकवा ना कोई शिकवा करदा जी जिहड़ी गल हर फैसला देख के करदा जी संगत तो पुछ के करदा बहुत लोगों ने बहुत जिहड़े सुहिरद सज्जन सी बहुत उन्हां नाल गल कीती पार्टी च इंटरनल गल कीती बहुत सज्जणां दे हुण मैं नाल लवां तां चंगा ही लगदा बहुत सज्जन ऐसे ने जिहड़े मैनूं इह कहिंदे हुंदे सी वी इह सुखबीर नूं तां धर्म दा उड़ाड़ा भी नहीं आउंदा है धर्म दीआं गल्लां इह कोई मर्यादा नहीं इहदे पल्ले कख नहीं हैगे बहुत लोग ऐसे सीगे इहो जिहीआं गल्लां करदे सी बहुत अच्छे बंदिआं नाल गल कीती धार्मिक लोकां नाल गल कीती हर एक तरह के बंदिआं नाल जो मैनूं लगदा सी वी इत्थे मैनूं गल उहनां नाल मैं गल कीती शिकवा शुकवा कोई नहीं है। मेरा सवाल यह है जी कि जिस तरह के अकाली दल के फैसले नूं लैके मतलब पहलां भी तुसीं कितें ना कितें सहमत नहीं रहे जिहड़े पहलां दे फैसले उहनां नूं लैके नहीं उन्होंने मेरा जी कहा सिकवा जी इन्हों का मैं इन्हों कख समझते नहीं सिकवा तो हों जिन्हों बंदा मूहरे समझता मैं इन्हों की समझता मैं कख भी नहीं समझता कोई भी सिकवा नहीं इन्हें जोड़े फैसले ने बड़े गलत फैसले हुए हैं हूँ ती जो श्रोमणी देखो मेरी मैं माफ़ी चाह के एक जसपाल सिंह गल कहना असी ना पहला एक गल सुनते होंगे भी जोड़े लीडर लोग ने ना कुर्सियां ला देंगे लाशा से कुर्सियां डाँदे आ जब सरदार सुखबीर सिंह बादल तो गुरु ग्रंथ साहब के कुर्सी डाउन पैंदा इन्हें तो गुरु महाराज की थोड़ो परवाह करी है इन्हां ने माड़े काम किहड़ा माड़ा काम नहीं किया सरस सौदा साध नूं माफ़ियां देनियां कैलेंडर नूं लागू होए नूं तोड़ खत्म कर देना बैठे बच्चों के उत्ते इंसाफ मंगदे अज भी जिहड़े इंसाफ नहीं मिले उन्हां दे बच्चे अज भी बैठे आ उत्थे उन्हां दे उत्ते गोलियां चला देनियां गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग अंग नालियां दे विच रूड़ियां दे उत्ते खिलार दित्ता तो उहदी ध्यान देने की बजाय सौदा साध दे पोस्टरां नूं प्रोटैक्ट करना ये सारिया गल्लां बड़िया शिकवे वालियां बड़िया तकलीफ दे गल्लां सीगियां वक्त वक्त सिर कहिंदा रहा जिथे जिन्नी कि मेरी आवाज़ सी उदों मैं कहिंदा रहा उदों भी मैं कदे चुप नहीं सी कीता सारी श्रोमणी कमेटी च इस गल दा बहुत चंगी तरह पता भी मैं बोलता सी जदों कदे लोड़ पैंदी सी पर आवाज़ नहीं सी कदे मेरी जा रही किसे पासे कोई कुदरत नूं मंजूर सी जां कोई समां इहो जिहा सी आ हुण जदों समां आया तो मैं बोलिया तो मेरी आवाज़ चली गई मैं पूरी प्रैस का बड़ा धन्नवाद करदा बई प्रैस ने ना जिहड़ी साडा सब दा चाहे असी धार्मिक लोग हैं चाहे असी पोलीटिकल लोग होण सब दा हीज प्याज तुसीं नंगा कर दिता सोशल मीडिया ने तो कमाल ही कर रखी है ए किसान अंदोलन ने लोगों नूं बोलना सिखा दिता ते जिहड़ा तुसीं सीगा गल सारा उह कर दिता मैं सच्ची मिची कदे कदे मैनूं ऐ लगदा हुंदा भी शायद प्रैस भी कितने अलार्म पक करती है अलार्म हो जाती है भारू हो जाती है किसी वल पर आए मेरे वाले एपीसोड के मैं जो देखा तो मैं ये लग्या भी नहीं मेरा वहम से
भी प्रेस भी तकरीबन ही सारे अच्छा रोल ही जिहड़े सारे जिहड़े तुसी नौजवान बच्चे हो तुसी गल नूं फॉलो भी करदे हो ते अच्छा रोल कीता उहदे वास्ते मैं थैंक्स करदा प्रेस दा तां खास करके मैं धन्नवाद करदा भी जिन्हां ने मेरी आवाज़ नूं नहीं मैं बोलदा सीगा अगे भी मेरे बोल रुल जांदे सी ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਲੂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ